जवाहर नवोदय विद्यालय पंडोह में छठी कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा का आयोजन मंडी जिला के 20 परीक्षा केंद्रों में 7 नवंबर को किया जा रहा है। वहीं प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय मंडी में परीक्षा के आयोजन के लिए केंद्रीय अधीक्षकों को प्रशिक्षित किया गया है। विज्ञान पर्यवेक्षक जिला मंडी संजीव ठाकुर ने बताया कि सभी परीक्षा केंद्रों को 6 नवंबर को सैनिटाइज करके तैयार किया जाएगा और परीक्षार्थियों को प्रवेश पत्र जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पर संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय से उपलब्ध होंगे और परीक्षार्थियों को पहचान पत्र व मास्क पहनकर 10:30 पर परीक्षा केंद्रों में पहुँचना होगा। आपको बता दें कि इस प्रवेश परीक्षा में 5557 परीक्षार्थी हिस्सा लेंगे। जी सर, परिचय जी। मैं संजीव ठाकुर, जिला विज्ञान पर्यवेक्षक मंडी। अभी जो पिछले कल हमारे यहाँ शिक्षा विभाग के कार्यालय में जेल रोड में जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा जो छठी क्लास के लिए की जाती है उसके लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। इस बार COVID-19 के चलते जो JNV का सिलेक्शन टेस्ट था वो वैसे तो रूटीन में अप्रैल के महीने में हो जाता था, लेकिन क्योंकि कोविड के चलते पाठशालाएं बंद थी पूरा, तो इस कारण ये टेस्ट जो है पहले 24 अक्टूबर को होना निश्चित था, लेकिन बाद में 7 नवंबर को अब मंडी जिला में ये आयोजित किया जा रहा है। JNV के जो सिलेक्शन टेस्ट हैं छठी क्लास के लिए वो 2 चरणों में हो रहे हैं। एक समर क्लोजिंग है, वो पहले फरवरी में हो गए थे। जो विंटर क्लोजिंग थे वो अप्रैल में होते थे, जो कि अब नवंबर 7 को आयोजित किए जा रहे हैं। हमारे जिला के अंदर इस प्रवेश परीक्षा में इस बार 5557 जो परीक्षार्थी हैं, बच्चे हैं, 5वीं क्लास पास कर चुके हैं, वो इस परीक्षा में भाग लेंगे और पूरे जिला में 20 परीक्षा केंद्रों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। इनमें सबसे अधिक हमारे जो परीक्षार्थी रहेंगे वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कोटली में 451 विद्यार्थी होंगे हाईएस्ट, और न्यूनतम जो है वो राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला बाड़ी चौक की, वहाँ पे 113 जो छात्र हैं वो परीक्षाएँ देंगे। इसी संदर्भ में जो प्रशिक्षण आयोजन किया गया जवाहर नवोदय विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं श्री DK सिंह जी और हमारे यहाँ शिक्षा विभाग से डिप्टी DO श्री नरेंद्र जम्वाल जी, हमारे जो ऑफिस में सुपरिटेंडेंट श्री संतोष भारद्वाज जी, और जो सारे परीक्षा केंद्र हैं 20 परीक्षा केंद्र, वहाँ के जो सेंट्रल सुपरिटेंडेंट्स हैं, स्टाफ है जो वहाँ से आए थे सभी सेंटर से, तो उनको कल प्रशिक्षित किया गया। विशेष तौर पर इसलिए कि क्योंकि अभी कोविड के चलते जो बच्चों का भी स्कूल आना भी निश्चित नहीं है, कितने आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे हैं, लेकिन परीक्षाएं हो रही हैं, तो इन परीक्षाओं में भारी भीड़ भी ना हो, फिजिकल जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसके नॉर्म्स हैं उनको भी हम फॉलो करें और बेहतर तरीके से परीक्षा का संचालन कर सकें, इस संदर्भ में तो जो JNV की तरफ से तैयारी की गई है उसमें जैसे पहले 20 परीक्षार्थियों पर हम एक इन्विजिलेटर जो है वो लगाते थे, तो इस बार उसको 50% किया है, लगभग 12 परीक्षार्थियों पर एक इन्विजिलेटर होगा, तो क्योंकि वो डिस्टेंस वाइज भी डिस्टेंस मेंटेन करना है तो 12 ही एक लाइन में अधिकतम छात्र जो बैठेंगे और उनके ऊपर एक इन्विजिलेटर जो है अपॉइंट किया गया है। तो कुल मिलाकर लगभग 450 से अधिक इन्विजिलेटर पूरे इन 20 परीक्षा केंद्रों में पूरे जिला में 7 तारीख के दिन कार्य करेंगे, और उससे पहले 6 तारीख का दिन जो है वो पूरा सेंटर जो है हमारे सभी 20 सेंटर जो है वो तैयार किए जाएंगे, सैनिटाइज किए जाएंगे, वहाँ साफ सफाई की व्यवस्था वो सारी 6 तारीख को ही की जाएगी, ताकि 7 तारीख को ये जो परीक्षा है इसका हम सफलतापूर्वक आयोजन कर सकें। और इस संदर्भ में जो स्टाफ वहाँ पर हम डिप्यूट किया जा रहा है उनको मास्क और जो ग्लोव्स हैं वो भी दिए जाएंगे, और जो परीक्षार्थी आ रहे हैं उनसे पहले भी अनुरोध किया गया है कि वो मास्क पहन कर आएँ सभी बच्चे, और साथ में थर्मल स्क्रीनिंग उनकी की जाएगी सेंटर पे आने से पहले, जैसे वो एंटर करेंगे तो सुबह उनकी थर्मल स्क्रीनिंग पहले होगी, जो स्वस्थ बच्चे हैं उन्हीं को परीक्षा केंद्र में जाने दिया जाएगा, और जो अस्वस्थ होंगे उनके लिए कुछ अलग से फिर व्यवस्था वो देखी जाएगी। तो इस तरह से पूरे सभी केंद्रों में उनको सैनिटाइज करके सारा सब कुछ करके सोशल डिस्टेंसिंग और स्वास्थ्य विभाग दूसरे जो हमारे पुलिस डिपार्टमेंट है उसके सहयोग से ये परीक्षा इस बार 7 तारीख को पूरे जिला में आयोजित की जाएगी।